everyone, I am Dimple. Welcome to Creative Minds Global School. Today we will learn about the topic of these and that. These, T-H-I-S, these and T-H-A-T, that. These, we use these when we talk about one thing and this is near to me. These का यूज हम वहां करते हैं जब हम एक चीज के बारे में बात करते हैं और जो चीज अपने पास होती है, सो हम यूज करते हैं दीज. लाइक दिस इज अ मार्कर, सी ये मेरे पास है और एक है, इसलिए मैंने क्या यूज किया है, दीज. एंड दैट इज अ स्टार. यू नो स्टार हमें कब दिखाई देता है, दिन में या नाइट में? यस, हमें स्टार नाइट में दिखाई देते हैं. आपको ऐसा लग रहा होगा कि मैंने स्टार्स तो बहुत सारे होते हैं, पर मैंने क्या, मैंने तो आपको बोला है कि एक चीज के साथ में लगता है, बट मैंने इस एग्जांपल में क्या बोला है, दैट इज अ स्टार. मींस हम यहाँ एक ही स्टार के बारे में बात कर रहे हैं. और यू नो स्टार्स हमारे पास होते हैं, हमसे दूर होते हैं, हमसे दूर होते हैं, इसलिए हमने दैट का यूज किया है. सी This is a pencil. ये मेरे पास है और सिंगल है, इसलिए मैंने क्या यूज किया है, This is a pencil. And that is the sun. You know, sun हमें कब दिखाई देता है, दिन में और नाइट में? Yes, very good. दिन में दिखाई देता है. Sun हमारे पास होता है? नहीं, sun हमसे दूर होता है, इसलिए क्या है, That is the sun. See, this is a pen. See, एक ही पेन है और मेरे पास है, तो मैंने क्या बोला है, This is a pen. And that is the moon. Moon हमें कब दिखाई देता है, नाइट को. सो और हमसे हमारे पास होता है क्या? नहीं, हमसे दूर होता है, तो मैंने क्या बोला, दैट इज द मून. आप समझे इस थिंग को कि दिस का यूज हम कहां करते हैं, जो चीज हमारे पास होती है और एक होती है, और दैट का जो चीज हमसे दूर होती है और एक होती है. गॉट इट? यू अंडरस्टूड दिस थिंग कि हम दिस का यूज कहां करते हैं, दैट का यूज कहां करते हैं. विच थिंग This is near to me and that is far to me. Means this का use हम वहां करते हैं, जो चीज मेरे पास होगी, and that का जो चीज मुझसे दूर होगी. See, here are some examples. I have written some example of this and that. अब see this arrow and that. See, अब यहाँ पे arrows दिख रहे हैं आपको. इन arrow में आपको difference देखना है कि ये arrow छोटा है, ये बड़ा है, ये बड़ा है, छोटा है. Means जो छोटा एरो है वो आपको बता रहा है कि वो चीज आपके पास है, और वो बड़ा एरो है वो आपको बता रहा है कि वो चीज आपके दूर है. सो ब्लैंक इज अ ट्री. सी ये ट्री है, ये एरो से आपको पता करना है कि ये हमारे पास है या दूर है. सी ये हमारे पास है, तो हम क्या यूज करेंगे, दीज और दैट में से हम यूज करेंगे दीज. तो क्या आएगा यहाँ पे, टी एच आई एस, दिस इज अ ट्री. मीन्स ये ट्री हमारे पास है. अब इसे Is a cup. आपको ये एरो दिख रहा है, ये एरो बड़ा है, मतलब ये कप हमसे दूर है, तो हम क्या बोलेंगे, हम क्या यूज करेंगे दीज और दैट में से, दैट इज अ कप. मीन्स ये कप हमसे दूर है. सी ब्लैंक इज अ बॉल. सी यहाँ पे हम ये एरो है, ये एरो बड़ा है, मतलब ये शो कर रहा है कि बॉल हमसे दूर है, तो हम दीज और दैट में से क्या यूज करेंगे, दैट. जो चीज हमसे दूर होती है हम यूज करते हैं दैट. See, is a pen. ये आपको एरो दिख रहा है, मीन्स ये पेन हमारे पास है. जो चीज हमारे पास होती है हम क्या यूज करते हैं दीज और दैट में से, दीज. टी एच आई एस, दीज, दिस इज अ पेन. सी दी ब्लैंक इज अ फ्लावर. आपको एरो दिख रहा है, ये एरो शो कर रहा है कि फ्लावर हमसे दूर है, तो हम दीज और दैट में से क्या यूज करेंगे, दैट. जो चीज हमसे दूर होती है और एक होती है, तो हम क्या यूज करते हैं, That is a flower. आप समझे, this और that का use, this मतलब जो चीज एक होती है और हमारे पास होती है हम use करते हैं this, और that जो चीज हमसे दूर होती है एक होती है, तो हम use करते हैं that. I hope you learn this thing and you understand this concept, this and that. Do study, take care, stay safe, stay healthy. Thank you so much.